बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी बाबा, लगता है पेड प्रमोशन शुरू कर दिया आपने। रोज रोज आपके पास होम शेफ से खाने आ रहे हैं। हाँ, तो अम्मी की हांडी है, आंटी ने बनाया है। अब जहां से आया है उस जगह का नाम अम्मी की हांडी है। कभी आंटी के हाथ का खा रहे हैं, कभी अम्मी के हाथ का खा रहे हैं। यार देखो, थोड़ा सा सीरियस नोट पे मैं बात करता हूँ। फूड पांडा में कैटेगरी होती है होम शेफ। होम शेफ में कौन लोग होते हैं? वो लोग जो घर में बैठ के एक ईमानदार तरीके से घर में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अपने खराजात पूरे करने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग होते हैं। तुम लोग अक्सर मुझे बोलते हो ना, ये पराठे कबाबे क्यों मंगाते हो? एक तो पहली बात ये कि ये घर का खाना होता है। ये ज्यादातर घर की लेडीज हैं जो अपना बेचारा घर चलाने के लिए या अपनी मजबूरियों की वजह से या अपने शौक की वजह से ये रेस्टोरेंट चला रही हैं। इनके खाने में हो सकता है 10 में से 6 में टेस्ट ना हो, मगर मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी होम शेफ से साफ सुथरा खाना ना मिला हो। तो आज एक नया था अम्मी की हांडी। मैंने फूड पांडा खोला, एक नया नजर आया। मैंने देखा उनके पास एक नया आइटम, जो नया आइटम नहीं मतलब एक आइटम जो मुझे टच कर गया, वो ये था कि इनके पास खट्टे आलू थे। तो हमने इनसे खट्टे आलू मंगाए, बीफ शामी कबाब मंगाए और आलू का पराठा मंगाया। एक बाइट में ले चुका हूं खट्टे आलू का। अच्छा मसाला है, अच्छा टेस्ट है। एक शामी कबाब का भी बाइट लेता हूं, रेशा तो अच्छा है। ₹80 का शामी कबाब है, ये एक खट्टे आलू की प्लेट जो है वो ₹100 की है। आलू का पराठा, अगेन इस पराठे को आप देखें, पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें पराठे का रंग बहुत सफेद था। इसमें जो आटे का रंग है वो सफेद नहीं है, ब्राउनिश है। इसका मतलब इसमें आटे की मिकदार मैदे से कदरे ज्यादा है। मैदा होगा मगर कम होगा। भाई ये आलू का पराठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, आज भूल गया था मगर याद आ गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा से कोशिश भी करूंगा कि अपनी वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला करूं। जिन भाइयों ने सजेशन दी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही बात करते हैं और उस बात को अग्री करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। घर के पराठे जैसा टेस्ट है, कोई ना बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैंने कहा ना यार, देख नवीन, मसला ये है, इन जगहों से मंगाने का मकसद पता है क्या? कि ये बर्गर ब्रोज जो बाहर का खुला होता है ना, उससे ये खाना बहुत बेहतर है।